हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका अर्थात गणित मंथन की अभ्यासकार पुस्तिका, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फिफ्थ, बीजीय व्यंजकों के भाग और गुणनखंड करना, जिसमें हमें सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन करीब इस एक्सरसाइज में 25 है और 18 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं। आज कराने वाले हैं क्वेश्चन 19 से। कोशिश करेंगे सभी हो जाएं और नहीं हो पाएंगे जितने हो जाएंगे उतने कराने की कोशिश करेंगे। 19 क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहा गया है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखी है उन्हीं का यूज है। सीधी बात यह कि दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात करने हैं कि ए और बी मतलब उनका मल्टीप्लाई तो -30 हो और एडिशन -1 हो। दो पूर्णांक ए और बी, यहाँ पर आपका ए और बी और लिखा हुआ है, यानी ए और बी दो पूर्णांक हमें ऐसे ज्ञात करने जिनका मल्टीप्लाई यानी गुणा करें तो -30 आना चाहिए। मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर -30 आए और जोड़ने पर -1 आए। तो आप अंदाज से ही बता सकते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं होनी चाहिए जिनका गुणा -30 होना चाहिए और जोड़ घटाना क्या होना चाहिए -1। तो देखिएगा अगर हम 5 और 6 का गुणा करें तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन वो कह रहे नहीं मैं तो -30 चाहिए, तो किसी एक संख्या को -30 कर दो। अगर हम -5 कर दें तो गुणा तो हमारा हो जाएगा -30, लेकिन जब इनका एडिशन करेंगे माइनस का 5 प्लस का 6 तो एडिशन आ रहा 1, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो फिर माइनस कौन होना चाहिए, माइनस होना चाहिए हमारा ये वाला 6 माइनस होना चाहिए। अब -6 ए प्लस का बन जाएगा तो -1 हमारा बचेगा, अर्थात वो संख्या एक ए होनी चाहिए 5 और बी होनी चाहिए -6। देखो इनका गुणा -30 आ रहा और जोड़ना घटाना -1 बना रहा है। तो ये तो चलो ठीक है, हमने अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर कर लिया या हम जानते उतना कर लिया, लेकिन हम यहाँ मैथ में करेंगे कैसे, मैथ में हम करेंगे कैसे, हमको वो सीखना है। तो आइए समझते हैं और सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। टोटल क्वेश्चन देखो a+b और ab सभी। तो हम आपको इसमें से क्वेश्चन 8 है सेम कैटेगरी के, तो 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे शेष आपके लिए छोड़ देंगे। अगर आप हमारी कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो बचे हुए क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे फिर नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है ठीक। तो जब एक ही जैसे इतने क्वेश्चन है तो हमारा उद्देश्य ये बन गया कि हमको केवल आपको कॉन्सेप्ट को सिखा दें। कॉन्सेप्ट कब सीख पाओगे, 1-2 ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन हम आपको करा दें, आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते क्वेश्चन फर्स्ट से, तो देखिएगा कितने आसान तरीके से हम इसको कर पाते हैं। हमको गिवन है ab = -30, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, और हमें गिवन है a+b = -1, इसको मान लीजिएगा आप सेकंड। सेकंड इक्वेशन से a या b की किसी की भी वैल्यू निकाल करके आप फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, चाहे फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करिएगा। अगर फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा नंबर, यानी b या a जो भी है वो बटे में चला जाएगा, तो हो सकता थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाए। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, सेकंड से a या b किसी की वैल्यू निकाल लें। तो देखिएगा यहां से हमने ए की वैल्यू अगर निकाली है तो माइनस का तो 1 है ही वहां पर पहले से ही, और बी इधर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का है। तो ए की वैल्यू आ गई है -1 -b। ए की वैल्यू को यहां से उठा के हम कहां रखते हैं, और इसको भी मान लीजिएगा थर्ड इक्वेशन, थर्ड से ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। शायद आप इंग्लिश में ना सीख पाओ, चलो हिंदी में ही करते हैं। तो हम यहाँ ये लिखेंगे ए की वैल्यू समीकरण 3 से 1 में रखने पर, या समीकरण 1/3 से शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये ए की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, क्या है -1 -b (b) अपनी जगह रहेगा = -30 अपनी जगह रहेगा ठीक। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -b (-b)² और ये भी इधर ले आओ तो ये हो गए +30 = 0। ए स्क्वायर आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ax² + bx + c की फॉर्म में इसको लिखने हैं हमको, तो b² को पहले लिखें, यानी माइनस इन कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका b² को पहले लिख दो, ये भी बाद में लिख लो, ये हो जाएंगे -30। यानी माइनस इन कॉमन लेने का मतलब है जो भी हमारे चिन्ह यहाँ है ये सब बदल जाएंगे। तो देखो जो माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए, जो प्लस के था वो माइनस हो गया, और ये भी माइनस चला जाएगा अब 0 में। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, b² + b - 30। और इस प्रकार के गुणनखंड करना हम इससे पिछले क्लास में आपको सिखा चुके हैं, समूह बना करके बीच वाले पद को तोड़ करके या स्पेल्डिंग वाइज मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो देखिएगा 30 के ऐसे दो भाग करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन करके 1 आ जाए, b का कोएफिशिएंट क्या है 1, b का गुणांक 1 ही तो है,
तो 30 के दो फैक्टर ऐसे कौन से होते हैं जिनका अंतर एक हो? तो देखिएगा, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6। अब 6 में से 5 आप घटाइएगा, एक बचा, तो वही हम यहां पर लिख देंगे बी की जगह। बी स्क्वायर प्लस 6 − 5 इंटू बी माइनस 3। इस प्रकार का आपको हम करा चुके हैं। ए ब्रैकेट को हटाएंगे हम, तो बी स्क्वायर प्लस का 6b माइनस का 5b माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। देखो चार टर्म बन गए, चार पद हो गए, दो दो के समूह बना लेते हैं। यहां से हमने b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, b प्लस 6। यहां से माइनस का 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, b प्लस। कॉमन लेने की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो दोनों जगह बी दिख रहा है, बी कॉमन ले लिया, एक बी यहाँ बचा, यहाँ 6 बचा, दोनों जगह माइनस है, यानी जो चिन्ह यहाँ होता है वो कॉमन लेना पड़ता है। माइनस ये कॉमन लिया तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आप चिन्ह बदल जाएगा, फिर ये ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ प्लस होता तो चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह हमेशा माइनस लेने पर बदलता है। 5 कॉमन लेने का मतलब पूरे में 5 का भाग दे रहे, तो सीधी सी बात है 30 में 5 का भाग देंगे 6 हो जाएगा। देखो बी प्लस 6 पूरे में दिखाई दे रहा है, तो पूरे ब्रैकेट से हमने इसको कॉमन ले लिया, हमारा बच गया बी माइनस 5 इजुकल टू 0। अब इजुकल टू 0 चल रहा है, हमें अब इनकी दोनों की अलग अलग 0 से तुलना करनी पड़ेगी। अगर इजुकल टू जैसे पहले हमने जो सवाल किया उसमें इजुकल टू में 0 नहीं था, तो केवल गुणनखंड किए थे हमने यहां से लेकर के यहां तक। अब क्या लिखेंगे, अब हम यहां लिखेंगे जब बी प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहां से आपकी बी की वैल्यू आ गई माइनस की 6। ठीक, अब देखिए जब b माइनस की 6 है हमारी, तो आप यहां पुट करिएगा, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब हर बार लिखनी नहीं ऐसी डायरेक्ट करें, b बराबर माइनस 6 निकाला तो माइनस पहले से भी 1 और 1 और आएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा अब कितना आने वाला, a बराबर आने वाला 5। आप इसकी कंपेयरिंग करिएगा, जब b माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब b की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस का 5 है, तो इस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही रहेगा। −1 − 5, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की 6। अब आप देखिएगा इनका मल्टीप्लाई, अब कौन सी एक वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, दोनों कर रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई एक कर रही है। अगर बी बराबर माइनस 6 लेते हैं और ए बराबर 5 लेते हैं, तो माइनस का 30 आ रहा है, माइनस के 6 से प्लस के 5 जाने पर माइनस का 1 आ रहा, ठीक। और अगर इन मल्टीप्लाई करते दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, यहां पर भी देखो b वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 और a की माइनस की 6, यानी दोनों ही वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। a की वैल्यू 6 होने पर, माइनस 6 होने पर b की वैल्यू 5 है, तो माइनस 6 प्लस 5 तब भी माइनस 1 आ रहा, और यहां पर देखिएगा −6 + 5 तब भी माइनस, यानी दोनों ही कंडीशन में ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर समझिएगा कि हमने क्या लिया है, ए यूगल टू 5 लिया और बी यूगल टू −6 लिया। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 30 आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, और इनका सम करिएगा, जब सम करते हैं तो देखो माइनस का 1 आ रहा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब देखिएगा दूसरी वैल्यू क्या आई है, b बराबर 5 आया और a बराबर माइनस का 6 आया, माइनस का 6, इनका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 30 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और जब इनका हम सम करते हैं यानी एडिशन करते हैं, तब भी हमारा देखिएगा माइनस का 1 आ रहा। सम करने का मतलब हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस b और a की वैल्यू कितनी है माइनस की 6, b की वैल्यू 5 है, तो आएगा तो माइनस 1 ही। तो ये दोनों ही चीजें, दो इसके मान आ रहे हैं, दो मान आ रहे हैं ए के, दो मान आ रहे हैं बी के, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ठीक, इस प्रकार से देखिएगा 8 क्वेश्चन है हमने एक कराया, टाइम लगाया आपको समझाने में, समझते हैं। दूसरा सेकंड समझते हैं, देखो सेकंड में हमको क्या गिवेन है, ए बी इज इक्वल टू माइनस का 12 है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, और ए प्लस बी इज इक्वल टू हमको माइनस का 1 गिवेन है, इसको सेकंड मान लिया। यहां से ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वही आएगी माइनस का 1 माइनस का बी, इसको हमने थर्ड मान लिया, समीकरण 1 व 3 से। 1 और 3 को जब लेंगे तो करना क्या है, यहां से ए की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का बी इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। वही माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी माइनस का 12 इज इक्वल टू
चिन्ह बदल गए, माइनस चिन्ह इधर भेज देंगे, सेम क्वेश्चन जैसा कर चुके, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 12 के गुणनखंड करने हैं, बी का गुणांक एक है, एक लाना। 12 गुणनखंड दो ऐसे होते हैं जिनका अंतर एक हो। अंतर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस होता तो जोड़ करके लाते। तो चातियां 12 होते, चार में से तीन कम करेंगे, एक बचेगा। तो यहां लिख सकते बी स्क्वायर प्लस चार माइनस तीन इंटू बी माइनस के 12 इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी स्क्वायर प्लस फोर बी माइनस का थ्री बी माइनस के 12 इक्वल टू जीरो। यहां से बी कॉमन लेने पर बचा बी प्लस फोर, और माइनस थ्री कॉमन लेने पर बचा बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। बी प्लस फोर हमने पूरे से कॉमन ले लिया, बच गया हमारा बी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम एक एक करके, और ए की वैल्यू निकले, यानी बी की वैल्यू क्या निकले, यहाँ जीरो से कंपेयरिंग जब करेंगे हम, यहां से देखिएगा, जब बी प्लस चार बराबर जीरो, बी की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस की फोर। बी की वैल्यू माइनस चार आ गई, बी की वैल्यू माइनस चार, जरा यहां पुट करना, माइनस साइन ए और ये मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस वन प्लस फोर दैट इज थ्री, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। अब देखिएगा जब हम दूसरे फैक्टर की तुलना करेंगे जीरो से, बी माइनस तीन इजिकल टू जीरो, तो बी इजिकल टू आ गया हमारा तीन। अब बी इजिकल टू तीन यहाँ पुट करोगे तो माइनस का ही तीन रहेगा, क्योंकि प्लस का तीन रख रहे हैं, तो माइनस का वन माइनस का तीन, तो एक ही बराबर कितनी आ गई वैल्यू, माइनस के चार। इसी प्रकार से दो मान हमारे यहाँ पर निकले आकर के, समझते हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन इसका थर्ड, तो थर्ड में भी देखिएगा क्या गिवेन है हमको, ए बी गिवेन है माइनस का, कौन सा कर दिया हमने, बारह, थर्ड वाला तो हमने कर ही दिया है, हमने थर्ड वाला ही कर दिया ये, ठीक है। इसको थर्ड लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने 12 लिया तो 12 तो इसमें था, सेकंड छूट गया, सेकंड देखिएगा, क्योंकि एक जैसे थे ना यहाँ पर, ये एक जैसे इधर थे, तो हमने पढ़ा नहीं पाया, 12 ना लिख, 20 ना लिख करके 12 लिख दिया, सेकंड अब करा दे रहे। तो सेकंड हमारा है माइनस का 20 और ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1 ही है, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। यहां से हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की 1 और माइनस का बी, ये हो गया थर्ड समीकरण एक व तीन से। अब देखिएगा क्या करना हमको, इनके फैक्टर, ये एक ही वैल्यू हमें यहाँ रखनी है फर्स्ट में, तो यहाँ पर रखेंगे तो एक ही वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का वन माइनस का बी इंटू बी इजिकल टू माइनस 20, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 20 इजिकल टू जीरो, ब्रैकेट माइनस इन कॉमन लेके जब हम जीरो में देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी माइनस का 20 इजिकल टू जीरो। यहाँ भी हमें बी का गुणनखंड एक, गुणांक एक लाना, तो पांच चौक 20 होते, पांच में से चार कम करेंगे एक आएगा, कम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस सेवन होता तो उनका एडिशन करते हम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस फाइव माइनस फोर बी माइनस का 20 इजिकल टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी स्क्वायर प्लस फाइव बी माइनस का फोर बी माइनस का 20 इजिकल टू जीरो। बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस फाइव, यहाँ से माइनस का फोर कॉमन ले लेंगे, ये हो गया बी प्लस फाइव इजिकल टू जीरो। ये आपको फैक्टर तभी आएंगे जब आप अपने अच्छे से अभ्यास में लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा b प्लस फाइव कॉमन आ गया, यहाँ बचा b माइनस फोर इजिकल टू जीरो। अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे, जब b प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, b की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस की फाइव। अब b की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ पुट करके, साइन प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस फाइव दैट इज a इजिकल टू आ जाएगा हमारा फोर। इसी प्रकार से दूसरी कंपेयरिंग करिएगा, जब b माइनस फोर इजिकल टू जीरो, तो b इजिकल टू आ गया प्लस का फोर। अब बी की वैल्यू जब यहाँ प्लस फोर रखोगे तो माइनस वन माइनस फोर इजिकल ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की फाइव। ये दो मान यहाँ पर आपके निकला, इनका गुणा माइनस का बीस आ रहा, अंतर दोनों का माइनस बनाया। इस प्रकार से हमने इसके देखो आठ है, तीन कर दिए, इन द सेम वे आपको बचे हुए पांच क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई अंतर नहीं, सभी एक जैसे ही है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, अगला 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 20 से। इसमें कहा गया है आपको केवल ये बताना है कि ये जो बीजीय व्यंजक गिवन है ये एक चर वाला है या नहीं है, केवल ये बताना है एक चर है कि नहीं है, और नहीं है तो उसका कारण भी पूछा गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक। केवल ये कहा गया निम्न व्यंजकों का कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण भी बताइएगा, कारण क्या हो जाएगा उसमें, दो चर हो जाएंगे तो वही कारण हो जाएगा, तो आपको केवल टिक करना। देखो एक चर से मतलब है, देखो इसमें एक्स ही है दोनों जगह, तो ये एक चर में बहुपद है, यहाँ पर केवल टी वेरिएबल दिख रहा है एक चर में बहुपद है, इसमें भी बाई दिख रहा है तो ये एक चर में बहुपद है। हाँ लेकिन बहुपद का बात करनी है, बहुपद भी तो बताना है, इसमें बहुपद कब होता है हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो कि इसमें पहले
नहीं आई है। ये आपका एक चर तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुपद नहीं है, एक चर का बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। आप कहोगे बहुपद क्यों नहीं है, ऐसी मतलब ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आपको नहीं बताई। देखो बहुपद वही होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो पूर्णांक होनी चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या होता है, अर्ध पूर्णांक क्या होते वो देखिएगा। जैसे ये हमने उसमें गिवन क्या आई है, गिवन है 4√y है और प्लस y√3 है, तो 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इससे कोई परेशानी नहीं है, लग सकता है वो कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं, लेकिन वेरिएबल की पावर पूर्णांक होनी चाहिए। वेरिएबल इसमें y है, अब यहाँ पर y पे पावर इसको 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ y पावर 1 है √3, तो ये जो y के पाप के ऊपर पावर 1/2 आ जाए या 1/4 आ जाए या 1/√3 आ जाए, यानी फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू अगर आ रही है तो फिर वह बहुपद नहीं होता। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। बहुपद की पावर क्या होनी चाहिए, या तो y की पावर 0 होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड सोन, इस प्रकार से पावर होनी चाहिए, बस सीधी सी बात ऐसे समझो आप, भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न से मतलब बटे में, हर और सही में, ये हर बटे में ये वाली भिन्न नहीं होनी चाहिए, भिन्न में मतलब y की पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझिए। ये बहुपद नहीं, आप ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं आप समझ यार भाई यहाँ भी भाई यहाँ भी है तो एक चर का हो गया, एक चर का है ठीक है लेकिन बहुपद नहीं है। ये देखिएगा यहाँ टी है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई, लेकिन सभी की घात पूर्णांक में है लेकिन ये एक चर का नहीं है, इसमें दो चर आगे देखो, यहाँ वाई टी है, यहाँ वाई है, तो ये भी हमारा जो पूछा गया उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। यहाँ दो चर है, पावर बाय कंप्लीट है पूर्णांक में लेकिन चर दो, उन्होंने एक चर की बात करी। आपको यहाँ बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब ये गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब जो एक्स के साथ में लगा हो, जैसे यहाँ एक्स के साथ में क्या लगा है, कुछ भी दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो गुणांक 1 माना जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है, 7, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 माना जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन दिखाई दे रहा है, 1/4, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/4 माना है। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो अब क्या बताओगे, 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा तभी तो एक्स लिखा नहीं, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं आप उसको 0x, वो तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, उसे लिखो या नहीं लिखो लेकिन गुणांक तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 0 है। तो देखिएगा 21, 20 और 21 हो गए आपके। 22 क्वेश्चन को समझिएगा, 22 में ये कह रहे भाग देकर के बताइएगा कि x+2 x2+5x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अच्छा नॉर्मल सी बात है, हम ये कहें 2 का पहाड़ा 13 में पढ़िएगा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप सीधे कह दोगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 13 का 1 गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल बचता है तो वह नंबर उस नंबर का गुणनखंड नहीं होता है, शेषफल 0 आता है। जैसे 14 में 2 का पहाड़ा पढ़िए आप तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, तो 2 × 14 = 1 गुणनखंड है। अब गुणनखंड का मतलब क्या, ऐसे समझिए आप, अंकगणित में आपको बता रहे हैं, आप 14 के फैक्टर करिएगा तो क्या आएंगे, 7 और 2 = 14 गुणनखंड आ गए, 2 × 7 देखो 2 आ गया, लेकिन 13 का करो तो क्या 2 आएगा, नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि 2 14 का गुणनखंड है, 7 भी 14 का गुणनखंड, अर्थात 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 14 आएंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे रस्ते में 14 मिलेंगे। x+2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या x²+5x+6 मिलेगा। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना है कि x+2 का आप x²+5x+6 में भाग करिएगा, भाग पूरा पूरा अगर चला जाता है तो x+2 इसका एक गुणनखंड है, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो गुणनखंड नहीं है। दो तरीके, लेकिन उन्होंने कहा कि भाग दे करके बताओ, तो चलो भाग कर ले रहे, क्या दिक्कत है, आइए। तो देखिएगा भाग करके हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, x+2 का भाग देना है हमको x²+5x+6। हमने कहा पहली संख्या का पहली संख्या भाग पढ़ते, 2 भाग कराइए, तीसरा भाग है, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर हम देंगे तो क्या बचेगा, एक्स, गुणा करके यहाँ रखना है, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, घटाते हैं माइनस माइनस ये कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 3x+6। फिर पहली संख्या का पहली संख्या भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 3, 3 का गुणा करिएगा तो ये हो गया 3x, और 3 का 2 में गुणा करिएगा ये आगे 6, घटाइएगा शेषफल 0 आ गया, आता है x+2 x²+5x का एक गुणनखंड है, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि शेषफल 0 आया, आपको पूरी बात लिख के बता रहे हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि शेषफल 0 आया है, अतः x+2 x²+5x+6 का एक गुणनखंड है। अगर यहां पर कोई नंबर बच जाता तो x+2 इसका एक गुणनखंड नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, समझते हैं क्वेश्चन 23 से।
23 में हमको क्या करना है, छोटे छोटे सवाल है इनके, गुणनखंड हमको करने हैं। तो देखिएगा ये तो यहीं पर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कल बता चुके इस कॉन्सेप्ट को, ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया आपका ए प्लस बी हो गया। यहां से एक्स वाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। बहुत ही सिंपल है, जब आप उसमें डुब्बी लगाओगे थोड़ा समझने कोशिश करोगे तो आपको आएंगे, ठीक है। बार बार जैसे पानी में आप तैरना सीखना चाहते हैं तो क्या रेत में दौड़ के तैरना सीख जाओगे, या बहुत कम पानी में जाके तैरें आप, घुटनों तक पानी में आप तैरना नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा गहरे पानी में जाइएगा तभी तैर पाएंगे, जब तक आपको एक आध उसमें गोता नहीं लगेगा। तो ये गढ़े थे, इसमें जितना आप घुसोगे अंदर उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा और आने लगेगा, और जब ये आने लगेगा तो आपका दिमाग थोड़ा चलने लगेगा, उसकी नसें खुलने लगेंगी, दूसरे सब्जेक्ट की आपके अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे, आप एक बार करके देखिएगा। अब देखिएगा ये करना है इसका थर्ड, थर्ड को यहाँ लिख करके हम बताते हैं, थर्ड हमारा ये इस प्रकार से है, 75a² माइनस 48b² अपॉन 5a माइनस 4b। देखिएगा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम कैसे बनाते हैं, यहां से देखो 3 कॉमन ले ले रहे हैं, संख्याओं में से 75 और 48 में से जैसे 3 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 25a², यहां बचेगा 16b² अपॉन में अभी जैसा का तैसा रहने वाला है, 3 चलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर अपॉन 5a माइनस 4b अपनी जगह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एक बार एडिशन कर दो एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो, 3 इंटू 5a प्लस 4b, 5a माइनस 4b अपॉन 5a माइनस 4b, ये आपका एक कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 इंटू 5a प्लस 4b, या 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो तो 15a प्लस 12, ये थोड़ा बड़ा निकला जाके, हमने आपको पूरा लिख के बताया, आप समझ पाए होंगे, नोट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से समझते हैं क्वेश्चन 4 को, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा 4 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 48 अपॉन x, देखो मध्य पद को तोड़ करके हमें इसके पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके अंश के, तो 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 48 अपॉन एक्स माइनस 24, अपॉन वाले नंबर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो देखिएगा 24 दूनी 48 होते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ साइन प्लस है तो प्लस करके लाने होते हैं हमको। देखिएगा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर है माइनस, तभी नहीं बन रहा था, ये प्लस है और ये है माइनस, जब यहाँ माइनस तब तो माइनस करके 24 दूनी 48 होते हैं, 24 में से 2 जाएंगे तब तो 22 बचेंगे, और प्लस होने पर 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आ रहे हो, फिर ऐसे कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई है नहीं 48, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम 22 ला सके, नहीं बनता। तो देखिएगा अब माइनस आ गया, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंश के अंश ही लिए ले रहे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 2x माइनस 48, पहले फैक्टर कर ले रहे, वहां पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x माइनस 48, समूह बनाते हैं एक ये, यहां से हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो x प्लस 24 माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 24, 24 को हमने पूरे से कॉमन ले लिया, x प्लस 24 को पूरे से कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका x माइनस 2, ये फैक्टर हो गए हमारे x माइनस, ठीक है इतना ही आ रहा, लेकिन यहां पर अब 24 कटने वाले थे नहीं, आता है यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 24 और x माइनस 2 अपॉन में, अब देखो अपॉन में यहां पर गलती क्या है, इसमें यहां प्लस होना चाहिए, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं ना, सोल्यूशन क्या निकला, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला जाके हमारा, अगर हम प्लस नहीं करके चलते, यहां पर प्लस ही होना चाहिए, तो ये हो गया एक्स प्लस 24, प्लस होने पर क्या होगा, ये फैक्टर कटेगा, अब बचा के आपका x माइनस 2, जब कुछ कट नहीं रहा तो ये पापड़ बेलने का फिर मतलब ही क्या रह गया, डायरेक्ट वैसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो इतना करेक्शन किया जा सकता है, समझते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, उसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं 24 और 25, उनको भी फिनिश करते हैं। ये देखिएगा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई,
इनको एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर एक बार रिलेशन लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट, इनको एक बार एडिशन फिर कर दीजिएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये कैंसिल आउट हमारा हो गया। कैंसिल होना चाहिए तब तो सॉल्व करें, जब कुछ कैंसिल नहीं हो तो उसे सॉल्व करने का मतलब ही क्या, बचा हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बचा हुआ है एक्स माइनस बाई। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत से इसमें हम करा चुके हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे आप इनको बार बार देखें, समय निकाल के थोड़ा थोड़ा करके देखें, ज्यादा लंबा क्लास भी हम आपके लिए नहीं बना रहे, आपको आएंगे। समझते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं 24 एंड 25, वो भी इसी प्रकार से फैक्टर मेथड पे ही आधारित है, नोट कर लीजिएगा। समझते हैं सेक्स आज के लास्ट टू क्वेश्चन 24 एंड 25। 24 में 3 है, 25 में 4 पार्ट है, 2 मिनट में होने वाले, बहुत ही छोटे छोटे और आसान है। देखिएगा 24 का फर्स्ट, 24 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस प्रकार से गिवन है, एक्स क्यूब प्लस, देखो 27 को 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि बहुत से सवाल इस कैटेगरी से रिलेटेड हम करा चुके हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही हमको यहाँ पर लिखना है, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स प्लस थ्री, ए स्क्वायर से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी से मतलब हो जाएगा 3x प्लस बी स्क्वायर से मतलब हो जाएगा 9 अपॉन एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो गए, जो बचा है बस वही आपका जो चाहिए वो आंसर। ठीक, सेकेंड हमको गिवन है एक्स क्यू माइनस एट को लिख सकते हैं 2 का होल क्यू अपॉन एक्स माइनस टू, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का रिलेशन लगाया, आप लगा रहे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू, फर्क क्या पड़ जाएगा, अब माइनस जो चल यहाँ था ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस वहां पहुंच जाएगा, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। जब आप समझना चाहो तो इसी प्रकार से कर सकते, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, जो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आपका जवाब। थर्ड पार्ट इसका इन द सेम वे इसका थर्ड है, यहां पर देखो 64 लिखा हुआ है, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 16 गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे, एक्स प्लस 4 और आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह 4x प्लस बी स्क्वायर की जगह 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ अपॉन में जो लिखा हुआ है एजिट वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब ये 16 से देखेगा ये टर्म से ये टर्म कंप्लीट हमारा कैंसिल हो गया, जो बचा है वही हमारा जवाब एक्स प्लस। तो ये था हमारा क्वेश्चन 24 का फर्स्ट सेकेंड और ये था थर्ड। अब समझते हैं 25 के हमको क्वेश्चन गिवन है 1, 2, 3 और 4, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आप इनको नोट करिएगा। समझते हैं 25, तो 25 का फर्स्ट देखिएगा, इसमें क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 के फैक्टर करने पड़ेंगे, x माइनस 7 को छोड़ दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ये फैक्टर हम पहले अलग कर लेते हैं उसके बाद इसी में वैल्यू पुट करके हम इसको फाइंड कर लेंगे, तो ये है हमारा 25 का सेकंड फर्स्ट। तो फैक्टर पहले करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, 14 के फैक्टर होते हैं 7, 2 या 14, निषाद दूनी 14 है यहाँ प्लस है तो 7 और 2 को जोड़ के हम 9 ले आएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए आगे चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 एक्स प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। अब यहाँ से देखो चार टर्म हो गए, दो दो को हम ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 7, यानी जो साइन यहाँ होता वो कॉमन लिया तो चिन्ह आगे के बदल जाएंगे। ठीक, तो प्लस साइन था देखो माइनस हो गया, x माइनस 7 पूरे से हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारा बचेगा यहाँ से x यहाँ से माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ भी प्लस साइन है तो 3 प्लस करके लाने पड़ेंगे, 2 एक 2 और 1 3। ठीक, फैक्टर हो गया क्योंकि हमको यहाँ 3 चाहिए,
एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन एक्स प्लस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स प्लस टू, यहां से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू हो गया, और यहां से भी देखो वन कॉमन लिया जा सकता है जब कुछ भी नहीं दिखा तो वन, क्योंकि वन की टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो माइनस वन कॉमन ले लिया, ये भी हो गया माइनस टू, चिन्ह बदल जाएगा, तो x माइनस टू पूरे से कॉमन, x माइनस वन पूरे से कॉमन। अब ये वाले फैक्टर इसकी जगह पुट करेंगे और इसके फैक्टर हमारे ये आ गए, हमें जवाब मिल जाएगा, देखेगा हमारा हो जाएगा पूरा जा करके कि x माइनस वन, x माइनस टू पहले से वहां पर है, और वो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन जगह हम पुट करेंगे x माइनस सेवन और x माइनस टू अपॉन x माइनस सेवन वहां पहले से लिखा हुआ तो वो रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के जो फैक्टर निकाले वो हमने निकाले हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिएगा जो कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, जो बचेगा वही आपका जवाब होगा, देखिएगा एक्स माइनस सेवन से ये कैंसिल हो गया, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, वन से ये वन कैंसिल हो गया, केवल बचा आपका है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू ही केवल जवाब इसका आया। इसका सेकेंड देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का रिलेशन लग रहा है सेकेंड, तो बना हुआ रखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से मतलब हो जाएगा 0.04 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट होने चाहिए 4, तो ये हो जाएगा हमारा नहीं ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी 0.04 माइनस 0.01। अब यहां स्क्वायर करके रखना है इसको, तो स्क्वायर करके रखेंगे तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे, देखिएगा 0.04 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 का तो स्क्वायर 16 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट 4 होने चाहिए तो आपको दो जीरो बनाने पड़ेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.0016, और ए बी इन्हीं का एक बार सब एडिशन करना है, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। इसी प्रकार से पॉइंट वन का स्क्वायर करेंगे 0.0001, 0.01, तीन जीरो के बाद वन आएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है इनका डिफरेंस, यहां जैसे हमने एडिशन किया था यहां डिफरेंस लिखा हुआ है, अभी देखिएगा ये इसको हम डिफरेंस लिख दें चाहे यही चीज लिख दें, अभी आप इनका डिफरेंस करो तब भी इतना ही आ रहा है, तो ये नंबर हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इनका सबका एडिशन करके जवाब बताना पड़ेगा, तो देखिएगा कितना हो रहा है हमारा, अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.00, ये तो हो जाएगा 16 और 1 17 ये कंप्लीट हो रहे हैं 0.0017 प्लस 0.05, तो 0.05 कहाँ एडिशन हो गया कि इन दो जीरो जगह, फाइनली जवाब आ जाएगा 0.517। आप एडिशन कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिख के करोगे तो इतना ही आने वाला है, तो ये था इसका सेकंड, समझते हैं इसका थर्ड पार्ट, आप इसको नोट करिए, तो थर्ड पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन लगने वाला है, देखिएगा सी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर माइनस 0.06 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 0.36 है तो 6 का होल स्क्वायर होगा 0.6 का, और अपॉन में लिखा हुआ सी माइनस 0.6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार इनका एडिशन C प्लस 0.6 और C माइनस 0.6 अपॉन C माइनस 0.6, आप देखिएगा इसमें से एक टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचा केवल C प्लस 0.6। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा 7 माइनस एक्स माइनस वाई, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो हमें दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर, देखिएगा थोड़ी देर के लिए हम क्या करें 49 माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले रहे हैं एक दो तीन टर्म से, तो ये देखो जिनके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जिनके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई अपॉन 7 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अर्थात एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस एक्स माइनस वाई।
अब आप देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन हमारा लग रहा है, तो इनको एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन हो जाएगा 7 प्लस एक्स माइनस बाई एडिशन, तो चिन्ह तो यहाँ प्लस लग जाएगा तो ये ऐसा रहेगा। अब की बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स माइनस सेवन माइनस सॉरी सेवन माइनस एक्स प्लस वाई और अपॉन में लिखा हुआ है सेवन माइनस एक्स माइनस वाई, सेवन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, यहां पर देखिएगा यहां प्लस है, गलत लिखा हुआ था तो ये प्लस है, प्लस प्लस और प्लस, ठीक। तो अभी आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक टर्म कटना चाहिए, नहीं कट रहा फिर ये पूरी मेहनत करना बेकार है। ये टर्म देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा सेवन माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारा फाइनल जवाब हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह एक्स माइनस वाई था, तो एक बार हमने इसके साथ देखो ये एडिशन में लिया, एक बार जब सब्ट्रैक्शन लेंगे तो साइन आगे का माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये एक्सरसाइज भी हमने चैप्टर 5 बीजीय व्यंजकों का जो अभ्यास कार पुस्तक का चैप्टर 5 है, 25 तो क्वेश्चन थे लेकिन उसमें बहुत से उनके छुट भैया थे, हमने आपको कंप्लीट करवाए। केवल एक क्वेश्चन था जिसमें हम 8 क्वेश्चन एक जैसे थे, तो हमने 3 करवाए, शेष आपके लिए छोड़ दिया, आप उनको कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपने ये चैप्टर अच्छे समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।